बादल सा घर छे हम सावन सा पर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो हमने जो है आपकी इंग्लिश का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलो द किंग ऑफ गेम्स। ठीक है, तो मैं आपको रिमाइंड कराते चलूँ। तो हमने पढ़ा था कि जो पोलो होता है वो बर्न का हुआ सेंट्रल एशिया में, उसके बाद उसने अपना बचपना जो है ईरान में गुजारा और मैच्योरिटी जो है नॉर्दर्न एरियाज में गुजारी। ठीक है, तो आइए अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। कहता फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एशिया द गेम इवेंचुअली सेपरेट एज फार एज जापान चाइना तिब्बत एंड इंडिया। कहता कि स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, स्टीप्स होता है घास का इलाका, जहाँ पे घास हो उसको कहते हैं स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कि सेंट्रल एशिया की वो जगह जहाँ पे घास था। कहता कि गेम जो है वहाँ पे बर्न हुई और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फैली कहाँ, फिर पहले जापान में, फिर चाइना में, फिर तिब्बत में और अब कहाँ हिंदुस्तान में। ओवर द एजेस, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, द एरिस्टोक्रेटिक गेम डेवलप्ड टू प्रमोट इक्विस्टेरियन एंड मिलिट्री स्किल्स। कहता कि जो एरिस्टोक्रेटिक गेम्स होता है घरेलू गेम, ठीक है घरेलू खेल, डेवलप्ड टू प्रमोट, तो पहले उनको मैंने डेवलप किया, इतना डेवलप किया कि उनको बाद में प्रमोट किया इक्विस्टेरियन और मिलिट्री स्किल में। इक्विस्टेरियन क्या होता है कि घोड़ा सवार, या जो मैंने आपको मीनिंग भी दिखाए हैं पहले, इक्विस्टेरियन होता है घोड़ा सवार की महारत, कोई जो है मीजा घोड़े को चलाना मतलब जानता है तो उसको कहते हैं इक्विस्टेरियन। ठीक है, और मिलिट्री स्किल्स, एंड वॉज रैंक नेक्स्ट टू बेटर इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द पावर्स ऑफ प्रिंसेस एंड वेरियस, मतलब उनको जो आजमाया जाता था, उनको खिलाया जाता था पहले, उसके बाद उनको जो है दूसरा मौका दिया जाता था, दूसरे जो है बैटल में जाने दिया जाता था, उनकी पावर्स का उनका जो है वहाँ पे देखा जाता था, उनके पावर्स को देखा जाता था, ताकतों को देखा जाता था, किन की लेकिन ऑफ प्रिंसेस एंड वेरियस, जो शहजादे हुआ करते थे और जो जंगजू हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद पैटर्नाइज्ड बाय किंग्स एंड द हॉर्स कैवलरी, अब ये जो बैटल होते थे इनका जो सरप्रस्त आला था, मीजा जो हेड था जो इनको चला रहा था वो कौन था, वो सरप्रस्त था राजा हुआ करते थे, और हॉर्स कैवलरी होता है, हॉर्स कैवलरी क्या होता है घोड़ा सवार फौज के जो जानता है इन घोड़ों को, मीजा सिखाता है कि कैसे आपने घोड़े को चलाना है, ठीक है उसको कहते हैं हॉर्स कैवलरी। ठीक है, इट वॉज प्लेड बाई द लाइक्स ऑफ, अब इसको खेलता कौन था, डेरियस खेलता था, गेंगिस खान खेलता था एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट खेलता था इसको। ठीक है, इन इंडिया, अगर अब हम हिंदुस्तान की बात करें, पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन मेडिवल टाइम्स एज इज इविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हु बिल्ड द कुतुब मीनार डाइड ऑफ ए फैटल एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो इन लाहौर। कहता अब हम अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो पोलो वाज वाइडली कहाँ पहले, ये जो है पोलो कब खेली जाती थी, मेडिवल टाइम पहले दौर में खेली जाती थी, और यह सबूत है एंड इज एविडेंस, ये सबूत है किसका, इस बात का, फ्रॉम द फैक्ट दैट कि जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या जिसको हम सिंपली कुतुबुद्दीन कहते हैं, जिनने कुतुब मीनार को बनाया है बिल्ड किया है, कहता कि वो फैटल एक्सीडेंट की वजह से उनकी जो है डेथ हुई थी, उनकी जो डेथ हुई थी किसकी वजह से, फैटल एक्सीडेंट की वजह से, जब वो क्या कर रहे थे पोलो खेल रहे थे कहाँ लाहौर में। तो फैटल एक्सीडेंट क्या होता है, मोहल्लिक हादसा, ठीक है खतरनाक हादसा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है कहाँ हुआ था लाहौर में। उसके बाद अंडर द मुगल्स, मुगलों के दौर में क्या हुआ, पोलो वॉज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया अंटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। कहता 16वीं सदी के अंत तक, एंड तक क्या था कि पोलो जो थी वो नेशनल गेम थी, स्पोर्ट थी हिंदुस्तान की, लेकिन किनके दौर में, मुगलों के दौर में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पोलो एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वॉज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ द राजपूत किंग्स। कहता इन मतलब इस दौरान में जो पोलो खेली जाती थी, इसको कौन खेला करता था पहले, खेला करते थे पैट्रोनेज ऑफ किंग्स, जो सरप्रस्त आला थे, जो किंग्स थे और जो नोबल्स हुआ करते थे, शरीफ लोग हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो थी बहुत इज्जत हुआ करती थी, उनके पास पावर्स हुआ करती थी, वो इनको इस पोलो गेम को खेलते थे। एंड ऑफ वाइडली प्लेट और
मुख्तलिफ प्रोविंसेस में सूबों में खेला जाता था, लेकिन किन सूबों में, जहाँ पे एम्पायर हुआ करते थे एंड कोर्ट्स ऑफ द राजपूत के, जहाँ पे राजपूत हुआ करते थे वहाँ पे ये गेम खेली जाती थी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की। ठीक है, थैंक यू।